नमस्कार, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो अव्यय अपनी क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज हम जीत जाएंगे, लड़का दूर खड़ा था, छात्र धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने अधिक पढ़ाई की। इन वाक्यों में आज, दूर, धीरे धीरे, अधिक यह अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के आधार पर, दूसरा, रूप के आधार पर और तीसरा, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। मूल क्रिया विशेषण अव्यय, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। समयवाचक, अवधिवाचक और पौन पुण्यवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के दो भेद है। स्थितिवाचक, दिशावाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के पांच भेद है। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के नौ भेद है। आकस्मिकतात्मक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, स्वीकारात्मक, कारणात्मक, निषेधात्मक, अवधारक, निष्कर्ष और आवृत्त्यात्मक। अब हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देखेंगे। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। यह हमने अभी देखा, मूल क्रिया विशेषण अव्यय, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय और स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है मूल क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों से नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अचानक पैर में काटा चुभा, वह अभी नहीं आया। राकेश दूर खड़ा था। इन वाक्यों में अचानक, नहीं, दूर यह अव्यय किसी भी दूसरे शब्दों से नहीं बने हैं, इसलिए इन्हें मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इनके अलावा पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, यह सभी मूल क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, अव्यय जैसे शब्द भेदों से बनते हैं। जैसे मैं रात भर सोया नहीं, उन्होंने अतिथियों के प्रेम पूर्वक आभार व्यक्त किए। मेरा नाम किससे पूछा,
इन वाक्यों में रात, प्रेम, किस इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से रात भर, प्रेम पूर्वक, किस से यह शब्द बने हैं, इसलिए इनको यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसी तरह मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहां पर, यह सभी यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय है। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय दो शब्दों के मेल से बनते हैं। संज्ञाओं की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, जैसे दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। विशेषणों की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, धीरे धीरे, जहां तहां, कब कब, कहां कहां। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय दो क्रिया विशेषणों के मेल से बनते हैं, जैसे जब कभी, जब तब, कल परसों, आसपास। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच न लगाने से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, जैसे कभी न कभी, कुछ न कुछ। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़। संज्ञा और विशेषण के योग से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, एक साथ, एक बार, दो बार। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन्म। पूर्वकालिक, रुदंत और विशेषण के मेल से यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय बनते हैं, विशेषकर, मुख्यकर, बहुतकर, एक एक कर। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय, जो अन्य शब्द भेद बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, वह अपना सिर पड़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। इन वाक्यों में पत्थर, सिर, चलते शब्दों के रूप में बिना बदला हुए ही वे विशेष स्थान पर आए हैं, इसलिए ये स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय है। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देखेंगे। धन्यवाद।